देखिए दोस्तों, आज मैं दिखाने जा रहा हूँ ये गेहूँ कैसे गेहूँ निकलता है। गेहूँ की खेती जब हम लोग करते हैं उसको मैंने दिखाया था। ये गेहूँ पक चुका है और गेहूँ आकर के कटा, इसको सुखाया जाता है। उसके बाद ये थ्रेसर हम लोग कहते हैं, ट्रैक्टर से अभी दौनी करने से पहले का प्रोसेस देखिए। नीचे चट बिछा दिया गया, उसमें गेहूं गिरेगा और भूसा दूसरे तरफ गिरेगा। देख सकते हैं ये काफ़ी मेहनती लोग हैं ये लोग। देखिए देखिए, देख सकते हैं इसमें सबसे ज़्यादा मेहनती, ये सामने जो देख रही हैं ये सबसे ज़्यादा मेहनती हैं, ये इन्हीं की टीम है पूरी। देखिए ये देखिए, सब अभी दिखाऊंगा मैं कितना ये लोग मेहनत करती हैं। किसान एक्चुअली में बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, लेकिन ये किसानी भूख से मरते हैं। किसान दूसरे को अन्न खिलाते हैं लेकिन किसानी भूखे मरते हैं। आज के दौर में ऐसा हो गया है, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा किसान लोग फांसी पे लटकते हैं, सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं भूख से। तो देख सकते हैं ये अब स्टार्ट होगा, तो मैं आगे का प्रोसेस दिखाऊंगा आपको। एक्चुअली में सबसे ज़्यादा मेहनत यही लोग करते हैं, लेकिन आज के दौर में यही लोग परेशान हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इन लोग मेहनत करते हैं लेकिन उसका इन लोग को पूरी तरह कभी नुकसान हो जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है। हमारे ये मिथिलांचल का एरिया है, यहाँ पे कभी कभी सूखा, कभी बाढ़ की समस्या लगी रहती है, किसान परेशान हो जाते हैं। तो देखिए, देख सकते हैं ये लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। देखिए मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि बाबू, ये जो आप लोग दौनी करते हैं कितना लेते हैं आप लोग? 10 टीन हम एक टीन में लेते हैं। अच्छा, देखिए ये 10 टीन में एक टीन ये लोग लेते हैं। अच्छा, टीन के हिसाब से चलता है, पैसा नहीं लेते हैं आप लोग? घंटा पे भी चलता है। घंटा? अच्छा अच्छा, घंटा पे या फिर गेहूँ टीन के हिसाब से? बिल के हिसाब से भी चलता है, घंटा के भी हिसाब से चलता है। तो ये गुटखा क्यों खाते हो? ड्राइवर आदमी तो ड्राइवर सब गुटखा खाता है। अब ड्राइवर बोलेगा हम शराब पीते हैं, ड्राइवर तो ये तो ये सब छोड़ो, समझा कि नहीं? ये सब आपके सेहत के लिए नुकसानदेह है ना, वो सबसे कैंसर होता है, मालूम है कि नहीं? हाँ बाबू, अब तो दोबारा नहीं पियोगे, खाओगे? नहीं। शराब भी पीते हो तुम? शराब नहीं पीते हो? ठीक है, अब गुटखा मत खाना, ठीक है? ये देखिए ये ट्रैक्टर चालू हो चुका है, थ्रेसर में अब ये लोग कैसे डाल रहे हैं मैं उसको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए देखिए, देख सकते हैं ये प्रोसेस। देखिए देख सकते हैं आप कितना जल्दी फास्ट काम होता है। मशीनरी आने से कितना लोगों को फायदा हो गया, नहीं तो पहले तो ये मालिक यही है, आज आप ही है ना मालिक? देखिए यही मालिक है यहाँ पर, इन्हीं के सुपरविजन में। देख सकते हैं कैसे, देखिए देख सकते हैं आप, मैं दिखाऊंगा कि गेहूँ कैसे गिरता है। ये तो भूसा है, अब मैं कितना फास्ट काम हो रहा है, मशीन आने से कितना फ़ायदा हो गया लोगों को, नहीं तो पहले बैल। देखिए देख सकते हैं ये लोग कितना कितनी मेहनती होती है दोस्तों। आप जो गेहूं देखते होंगे, गेहूं कैसे तैयार होता है मैं आज दिखाऊंगा। ये देखिए, ये देख सकते हैं गेहूं कैसे गिरता है। देखिए देखिए, देख सकते हैं आप कितना साफ गिरता है गेहूं। देखिए देख सकते हैं, देखिए ये लोग कितना मेहनत होते, किसान कितना मेहनत करते हैं। देखिए देख सकते हैं,
इसीलिए कहता हूँ ना कि ये अन्नदाता हैं दोस्तों, जब तक कि ये खुश नहीं रहेंगे देश हमारा खुश नहीं रह सकता है। इसीलिए किसान की मदद करनी चाहिए, सरकार को भी चाहिए कि अच्छा अच्छा योजना ला करके इन लोगों की मदद की जाए। कितना मेहनती है ये लोग देख सकते हैं दोस्तों, कितना भूसा एक साइड में निकल रहा है, आप देखिए देख सकते हैं, देखिए। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स ज़रूर करें, मुझे बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। देख सकते हैं ये, देखिए देखिए देख सकते हैं, ये अब्दुल रहमान साहब हैं, यही हैं ओरिजिनल मालिक यहाँ के। देखिए बोरा में कैसे पैक होता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा पसंद करें, उम्मीद करता हूँ। मैं फिर मिलता हूँ, मैं अच्छी किसी अच्छी वीडियो में।